हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरीके का फ्लोर सोफ़ा बनाना चाहते हैं, वो भी घर के फटे पुराने कपड़ों से? तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, इसका बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से फ्लोर सोफ़ा बना रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ली है एक पुरानी साड़ी और इसमें से जो प्लेन पार्ट है मैंने उसे कट कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे वो हो रही है, देखिए 37 इंचेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी का डबल हमें लंबाई लेना है, यानी कि 37 इंचेस है तो हमें 74 इंचेस यहाँ पे इसकी लंबाई रखनी होगी। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसका डबल यहाँ पे 37 इंच का डबल लंबाई रखा है और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए, हमारा लंबाई वाला भाग है इसे हम स्टिच कर लेंगे और ये जो चौड़ाई वाला हमारा भाग है इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो दो साइड से हमें स्टिच कर लेना है और एक पार्ट हमारा बंद ही है। तो ये देखिए, इस तरीके से दो साइड से हमने स्टिच कर लिया है और एक पार्ट हमारा बंद है जो हमने फोल्ड किया था। तो तीन साइड से ये बंद हो गया और एक साइड से ये ओपन है। अब हम इसे पहले सीधी साइड पर पलट लेंगे और सीधी साइड पर पलटने के बाद हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, एक पार्ट हमारा ओपन है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा सिलाई वाला भाग है यहाँ पे साइड में, इसे हमें पकड़ना है और हमें इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पे हम बराबर करेंगे तो ये देखिए, इसका सेंटर हो गया। अब इस सेंटर को हमें सिलाई वाले पार्ट से इस तरीके से जॉइंट करना है और यहीं से हमें ऐसे पकड़ लेना है। सिलाई वाले भाग को हमें बीच में लाना है। तो ये क्या हो जाएगा कि एक ट्रायंगल शेप में आ जाएगा और एक नुकीला हो जाएगा, यानी कि एक समोसा के आकार का हो जाएगा कपड़ा। पीछे की साइड हमें नुकीला पार्ट, अब दोनों साइड से देखिए हमने थोड़ा थोड़ा स्टिच कर दिया है और थोड़ा सा पार्ट हमने ओपन छोड़ा है। आप चाहें तो यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, पीछे की साइड ये हमारा नुकीला हो गया है। अब जो मैंने यहाँ पे ओपन छोड़ा है, इसमें हम जो भी हमारे पास फटे पुराने कपड़े हैं उसे हम इसके अंदर फिल कर देंगे। अगर आपके पास कॉटन है तो कॉटन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने साड़ी का यूज़ किया है, इसकी जगह पे आप कोई भी पुराना बेडशीट, कंबल यूज़ करेंगे तो ये और भी अच्छा बनेगा। मैंने सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए साड़ी का यूज़ किया है। अब ये जो ओपन पार्ट है इसे हम क्लोज़ कर लेंगे सिलकर। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया। अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से एक समोसे के शेप में रेडी हुआ है और ये बैठने पे बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसका यूज़ आप फ्लोर सोफ़ा के रूप में कर सकते हैं। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है इस तरीके का फ्लोर सोफ़ा और ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग इसे रेडीमेड ख़रीदते हैं, लेकिन आपको रेडीमेड ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही फटे पुराने कपड़ों से इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो पुरानी साड़ी का यूज़ किया है उसकी वजह से अंदर के कपड़े दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे मोटे कपड़े से बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए, इस तरीके से ये काफ़ी अच्छे शेप में आया है, एक समोसे के शेप में आ चुका है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है, एक ट्रायंगल शेप लाना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से पिक्चर लगा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल सके कि आप इसे किस किस शेप में बना सकते हैं। इसका फैशन आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और हर लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में फटे पुराने कपड़ों से बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। Thanks for watching.